हमारे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर दुनिया की पहली आईआईटी है और सबसे बड़ी आईआईटी है और सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ाई होता है कई विषयों का, और उस आईआईटी की डिग्री दी गई है। ये बहुत बड़ा सम्मान है और हम लोग धन्य हो गए क्योंकि भद्रेश स्वामी जी ने इसको एक्सेप्ट किया। 12 तारीख को भद्रेश स्वामी जी से मैं मिला। भद्रेश स्वामी जी के साथ रहकर मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं इतना अभिभूत हो गया कि उनके जो मैं देखा कि उनके इतने विद्वान आदमी हैं, इतनी बड़ी इतनी डिग्रियां लिए हैं, लेकिन इतने सहज भाव में हमको इतनी चीज़ों के बारे में बताए जो मैं अपनी डायरी में नोट करता रहा। और पता नहीं उसी दिन हमारे दिल में हुआ कि ऐसे विद्वान अगर हम लोग हमारे आईआईटी खड़गपुर ने अगर उसको हाईएस्ट डिग्री जो डीएससी होती है अगर न दिया तो हम लोग धन्य नहीं होंगे। और आज हमारे साथ हमारे दो साथी आए हुए हैं, प्रोफेसर कमल लोचन परिग्राही जो कि डीन हैं और फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, हमारे साथ विश्वजीत भट्टाचार्य जी हैं जो वहाँ के रजिस्ट्रार एक्टिंग रजिस्ट्रार हैं। अभी उनके साथ मैं आया हूँ। जो अवार्ड दिया गया उसकी एक प्रक्रिया है, मैं छोटे से बता देता हूँ कि ये प्रक्रिया ऐसी है कि करीब 800 फैकल्टी हैं हमारे आईआईटी खड़गपुर में और करीब 300 है जो कि सीनेट के मेंबर होते हैं। तो इसमें हम लोग हर साल ये अवार्ड दिया जाता है और कई नाम आए, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जब हमने भद्रेश स्वामी जी का बायोडाटा सीनेट में पढ़ा तो सब लोगों ने कह दिया कि ज़्यादा मत पढ़िए, पहले दे दीजिए इनको डिग्री। लेकिन ये है कि सीनेट से पास होने के बाद हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर है, वहाँ बोर्ड में हमने प्लेस किया था अगस्त महीने में और उसके बाद फिर हम लोगों ने मिनिस्ट्री को भेजा और 13 सितंबर महीने में, लेकिन हम लोगों ने स्वामी जी को भी नहीं बताया और स्वामी जी से कुछ मांगा ही नहीं कि आपका सीवी क्या है, बायोडाटा क्या है, हम लोगों ने कुछ बताया नहीं कभी। और सितंबर महीने में हम लोग दिया था और ये अवार्ड जो है डीएससी की डिग्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करते हैं तभी हम लोग बोल सकते हैं कि आपको मिल चुकी है। तो मैं बता सकता हूँ कि 8 दिसंबर को ये अप्रूव होकर हमारे पास आया है और तब हमने स्वामी जी को रात को बताया, हमने कहा कि ये भगवान की इच्छा थी और हम लोग का सौभाग्य है, हमारे आईआईटी खड़गपुर का सौभाग्य है कि आप हम लोग को धन्य कर दिए, हम लोग को प्राउड कर दिए कि आप हमारे इस डिग्री को स्वीकार करेंगे। भगवान स्वामी नारायण का है, इसका कारण है कि उन्होंने ही वैदिक सनातन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन जो उनका मूलभूत सिद्धांत था, उनका हृदयगत अभिप्राय था, उसको प्रकट किया अपने उपदेशों में, वचनामृत में। यदि उन्होंने इस दर्शन को उपदिष्ट ही नहीं किया होता तो हम क्या कार्य कर सकते थे। यह सम्मान प्रमुख स्वामी जी का है, यह सम्मान हमारे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज जो यहाँ पर उपस्थित है। प्रमुख स्वामी जी एक बात करते थे कि सम्मान को सम्मान मत समझो, सम्मान जिम्मेदारी होती है। जब हमें कुछ सम्मान मिलता है तो अब सेवा के कार्य की दिशा हमारे लिए उद्घाटित होती है, उस प्रकार की सेवा मैं संप्रदाय की कर सकूँ, हमारे भारत देश की कर सकूँ और सनातन धर्म की कर सकूँ। इतनी आप सबके चरणों में प्रार्थना।